ओ भाई साहब, कतई हवा में लटक गए मुड़ तो। सही है। और भाई क्या हाल चाल सबके, कैसे हो सब। सो गाइस, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी तीन जगह हैं जो आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए गेम खेलते वक्त, जो आपको करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आप बोर हो रहे होंगे तो आपका टाइम पास हो जाएगा और आप जस्ट को फन के लिए ले सकते हो, ठीक है ना। सो गाइस, अगर तो आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, ठीक है ना। सो इतना सब कुछ बोलने के बाद चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हमारी सबसे पहली जगह जो है जो आपको ट्राई करनी चाहिए वो है हमारी लॉबी में, ठीक है ना। सो गाइस, आप सबको याद होगा कि इस अपडेट के पहले एक अपडेट आया था जिसमें हमारा लॉबी एक विंटर वाले थीम में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है ना। सो गाइस, आप सबको याद होगा कि उसमें एक जगह था जहाँ पर आप अगर जाते हैं तो आप उसमें एक स्नोबॉल की तरह कन्वर्ट हो जाते होंगे। अब उसका क्या सीन था कि अगर आप स्नोबॉल बन के पानी में जाते हैं तो आपका क्या होगा, आपका पूरा गेम अटक जाएगा और आप गेम से बैक हो जाएंगे। सो गाइस, अभी आपको ट्राई करना है कि क्या आप फुटबॉल बन के पानी की तरफ जा सकते हैं, या फिर अगर जा सकते हैं तो क्या पानी में घुस सकते हैं। क्या पुराना वाला सीन हो जाएगा कि जब भी आप फुटबॉल बन के पानी में जाएंगे तो आपका गेम फ्रीज हो जाएगा, आपका गेम बैक हो जाएगा, क्या ऐसा कुछ होता है। क्योंकि मैंने ऐसा बहुत बार ट्राई किया, मैंने 4 से 5 बार ट्राई कर चुका है गाइस, लेकिन मेरा हो ही नहीं रहा है। मैं जब भी पानी की तरफ जा रहा हूँ मेरा फुटबॉल वापस कैरेक्टर में आ जा रहा है। सो गाइस, अभी आप ट्राई करके मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि क्या आप फुटबॉल बन के पानी में जा पा रहे हैं। तो गाइस, मैं आपके सामने दूसरी बार ट्राई करता हूँ और आप देखना मैं कितना कम डिस्टेंस से रह जाऊँगा। देखो गाइस, अगर मेरा बॉल एक बार और घूमता तो मैं जस्ट पानी में चला ही जाता, लेकिन उससे पहले ही मेरा कैरेक्टर कन्वर्ट हो गया। लेकिन गाइस, हम हार मानने वाले में से नहीं है, सो हम एक लास्ट बार तीसरी बार ट्राई करेंगे कि देखते हैं होता है क्या, ठीक है ना। सो गाइस, मेरे को लगता है कि इस बार हो जाएगा, क्योंकि मैं एक बार पहाड़ के नीचे जा रहा हूँ, ठीक है ना। क्या होगा, अरे इस बार भी नहीं हुआ रे। तो गाइस, आप प्लीज़ ट्राई करके मेरे को बताओ कि क्या आप पानी में जा पा रहे हो कि नहीं जा पा रहे हो, ठीक है ना। सो गाइस, हमारी दूसरी जगह जो है वो है ट्रेनिंग रूम में, ठीक है ना। सो गाइस, इसके लिए आपको एक दोस्त की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि डेकोर ग्रेनेड को हटा दिया गया है। सो आपको अपने टीममेट को बोलना है कि उसको इसी जगह पे खड़े रहे, ठीक है ना। जब वो एक जगह खड़ा रहेगा सो आपको उसके ऊपर जंप करना है। एक दो बार ट्राई लगेगा, लेकिन तीसरी बार आपसे ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि मेरे को भी 2 बार लग गया था। सो जब आप उसके ऊपर खड़े हो जाएंगे आपको एक जंप मारना है, और जब जंप मारेंगे तो आप केज के बाहर सिंपली चले जाएंगे, ठीक है ना। सो गाइस, आपको यहाँ पे बहुत सारा बिल्डिंग दिख रहा होगा जो देखने में बिल्डिंग है, लेकिन असल में वो बिल्डिंग नहीं है, वो जस्ट एक ऐसे बनाया गया है और वो नीचे से पूरा खाली है, मतलब आप उसके अंदर आराम से घुस सकते हो। सो गाइस, जस्ट उसको फन के लिए लीजिएगा, मतलब ज्यादा सीरियसली नहीं, जैसे टाइम पास के लिए, मतलब समझ रहे हो ना। एक स्क्रीनशॉट हो जाएगा, रिकॉर्डिंग हो जाएगा, और आप ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ भाई मैंने वॉल हैक कर लिया, मैं दीवार के अंदर घुस गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हो जस्ट मजे के लिए, ठीक है ना, ज्यादा कुछ सीरियसली भी नहीं है, टाइम पास के लिए बस, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे एक अजीब सी चीज़ नोटिस मैंने ये करी कि अगर आप कोई भी बिल्डिंग के नीचे जाओगे ना सो आप उसके अंदर आराम से घुस जाओगे, क्योंकि वहाँ पे कुछ बना हुआ नहीं है। लेकिन अगर आप वहीं उस बिल्डिंग के ऊपर जंप करोगे तो जैसे कि आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा, मैं अंदर घुस जा रहा हूँ, लेकिन मैं जैसे जंप किया मैं उसके ऊपर चढ़ गया, क्योंकि वहाँ पे सॉलिड बना हुआ है। सो आप ये एक्सप्लोर कर सकते हो टाइम पास के लिए बस, ठीक है ना। सो गाइस, हमारी तीसरी और आखिरी चीज़ जो आपको ट्राई करनी चाहिए वो है पायरेट इमोट के साथ, ठीक है ना। सो गाइस, इसके लिए आपको कोई भी टीममेट या फिर गाड़ी, जैसे मॉन्स्टर हो गया, जीप हो गया, बाइक हो गया, वो चाहिए। सो ये सब चीज़ों के ऊपर आपको सिंपली चढ़ जाना है। जब आप एक बार चढ़ जाएंगे तो आपको क्या करना है, आपको पायरेट फ्लैग इमोट दिखाना है। जब आप एक बार पायरेट फ्लैग इमोट को लगा देंगे तो आपको क्या करना है, आपको गाड़ी बाइक जो भी है या फिर अपने टीममेट को बोल देना है कि वहाँ से हट जा। जब आपका टीममेट एक बार हट जाएगा तो आप देखेंगे कि आपका जो इमोट है वो हवा में लटका रह गया। और गाइस, ये काफ़ी फनी है, क्योंकि ये जो इमोट होता है ना ये काफ़ी देर तक लटका हुआ रहता है, और जब आपका एनिमी देखेगा कि ये इमोट तो हवा में लटका हुआ है तो उसको मतलब थोड़ा अजीब सा लगेगा, फनी होगा, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। सो गाइस, अभी हम ट्राई करेंगे कि क्या ये इमोट ग्लू वॉल के ऊपर लगता है, और अगर लगता है तो जब हम ग्लू वॉल को तोड़ देंगे तो क्या ये हवा में लगा रहेगा, या जैसे ग्लू वॉल टूटेगा ये इमोट भी हट जाएगा, ठीक है ना। सो गाइस, चलिए ट्राई करते हैं। सो गाइस, यहाँ मैंने ग्लू वॉल भी लगा दिया है, अब चलिए जल्दी से ग्लू वॉल के ऊपर इमोट लगाते हैं और देखते हैं कि ग्लू वॉल जब मैं तोड़ूंगा तो क्या इमोट भी हट जाएगा, ठीक है ना। सो अब चलिए ग्लू वॉल को तोड़ते हैं जल्दी से। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ग्लू वॉल को तोड़ दिया है, लेकिन ये इमोट अभी भी हवा में लटका हुआ है। सो गाइस, आप भी ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं और अपने एनिमी को एक शॉक दे सकते हैं कि कैसे ये इमोट हवा में लटका हुआ है जब भी वो देखेंगे, ठीक है ना। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो किलिंग मॉन्टेज होगा जो बहुत ही ओपी लेवल का होगा, तो वो ज़रूर देखना।